नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। पतालकोट में अद्भुत औषधियों का संग्रह है। पतालकोट जैसा स्थान तो दुनिया में भी कहीं नहीं होगा। प्राकृतिक उपासना का इससे सुंदर स्थान कोई हो ही नहीं सकता। हमें इसका दोहन नहीं करना चाहिए बल्कि इसका किस तरह उपयोग और उपभोग कर सकते हैं इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एकमात्र छिंदवाड़ा ही ऐसा जिला है जहाँ से 11 जीवनदायिनी नदियों का प्रवाह होता है। यह बातें समर्थ श्री भैया जी सरकार ने मंगलवार को रातेड़ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही। उनकी संदेश यात्रा सुबह 9 बजे नरसिंहपुर नाका से निकाली, जो कि विभिन्न मार्गों से होती हुई पतालकोट के रातेड़ पहुंची, जहां जगत गुरु राघवदास देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी बगलानंद महाराज रहेंगे। पहली बार पतालकोट में संतों का समागम रहा। कार्यक्रम नर्मदा मिशन वनवासी कल्याण आश्रम के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया, जिसमें वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुमैया जुरू, प्रांत प्रचारक श्रीरंग राज शामिल हुए। उन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य वन भूमि, मातृभूमि एवं कर्मभूमि का चिंतन करना है, प्रकृति संस्कृति प्रधान समाज की परिकल्पना करना है, प्रकृति पूजा सगुण देव सत्य की उपासना, प्रकृति प्रधान जीवन शैली की ओर जनमानस को जुड़ना, वनवासी आदिवासियों का पलायन रोकना, जीवनदायिनी नदियों का संरक्षण करना है। जिस तरह तुलसी कोट हमारे सुख समृद्धि और संपन्नता तथा उपासना का केंद्र है, ठीक उसी तरह पतालकोट भी समाज की सुख संपन्नता व समृद्धि का केंद्र है। इधर भारत माता के स्तंभकार के नाते से कुछ विषयों पर विचार करना ऐसा पाए है, बहुत आनंद लगता है। आज का दिन बहुत बड़ा सुदिन है, इसलिए है कि कल का दिन बसंत पंचमी सरस्वती माता का जन्मदिन है। इसलिए सरस्वती माता का जन्मदिन कल हुआ, उसके कारण सरस्वती माता अपने को ज्ञानदायी नहीं है।